मिडिल टर्म्स होते हैं डेटाबेस, डीबीएमएस और टाइप्स ऑफ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे एसक्यूएल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, डेटा टाइप्स, कीज, कंस्टेंट, क्वेरी डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, क्वेरी टेबल, ड्रॉप टेबल, इंसर्ट टेबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर। एसक्यूएल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में फिर हम टेबल क्रिएट करते हैं, फिर टेबल में जो हमें डाटा डालना होता है, डाटा इंसर्ट करना होता है वो करते हैं। और डेटा मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल में रोज और कॉलम्स में ही डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। और ये सारे क्या है, आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो एसक्यूएल कंप्लीट करते हैं। एसक्यूएल के पांच सब क्वेरीज लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। इसमें डीडीएल होता है, डीएमएल, डीसीएल, पीसीएल, डीक्यूएल। तो डीडीएल में क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कौन सी क्वेरीज होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रिनेम। क्रिएट हमारा डेटा क्रिएट करने, टेबल क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर हमारे टेबल में ऑल्टर कॉलम ऐड करने के लिए, ड्रॉप डिलीट करने के लिए, ट्रंकेट मीन्स ट्रंकेट यूज होता है कि हम बिना टेबल के स्ट्रक्चर को निकाले हम उसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और रिनेम होता है डेटा उसको फिर से रिनेम करने के लिए। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें कौन सी क्वेरीज है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। जैसे आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, फिर उसे अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और मर्ज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें होता है ग्रांट और रिवोक, मीन्स कंट्रोल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि हमारे डेटाबेस को कौन कंट्रोल कर सकते। ग्रांट जो कमांड है ये होता है हम अपने एसेस राइट को देने के लिए। जैसे हमने किसी अनदर पर्सन को दिया है ग्रांट कि वो हमारे डेटाबेस को एसेस कर सकता है, ठीक है। और रिवोक फिर वही ग्रांट को फिर से वापस लेने के लिए, ठीक है। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, सेफर। इसमें क्या होता है, कमिट मतलब कि डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, रोल बैक उसको वापस रीइंस्टॉल करने के लिए, सेफ पॉइंट मीन्स डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए और जरूरत पड़े तो हम उसे रोल बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। डीक्यूएल में क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें कौन सा कमांड है, सिलेक्ट, ठीक है। जो भी हमें टेबल सेलेक्ट करना है, चाहे हम उसे पर्टिकुलर सेलेक्ट करें या फिर और। सो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। इन एसक्यूएल डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम ऑफ डेटा बेस टेबल। मीन्स कि जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में वो कौन से टाइप का है, ठीक है। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, मेनली इंट, प्लॉट, मूव, कैर, वैरका, डेट, डेट टाइम, ठीक है। इंट मीन्स इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के, इंटीजर वैल्यू जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, 1, 2, 3, 4। जैसे हम उसमें रोल नंबर, अगर मान लो हमें टेबल में स्ट्रिंग टेबल बनानी है तो उसमें रोल नंबर 1, 2, 3 होता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा इंट होता है, इंट डेटा टाइप होता है। प्लॉट डेसिमल पॉइंट के लिए, जैसे 3.14 वगैरह। और बूल ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज के लिए। कैर होता है हमारे फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, मींस की स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, जिसमें हमारे नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर। नंबर्स, लेटर्स, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि जैसे कि हमारा एट द रेट हो गया, जैसे हम जी मेल डालते हैं तो उसमें डालते हैं ना समथिंग, पहले लेटर्स होता है, फिर नंबर्स होता है, फिर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम होता है ना, तो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर। वैरकार भी सेम है, वैरकार मीन्स वेरिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसमें भी नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, बट कैरो वैरकार में क्या डिफरेंस है, साइज तो दोनों की सेम है, बट कैर में क्या होता है, जैसे कि हमने उसकी साइज डिफाइन की 50, ठीक है। तो मान लो हमें उसमें, हमने जो डेटा इनपुट किया है वो सिर्फ 4 डिजिट की है, तो बाकी के स्पेस खाली हो गए, वो स्पेस हम यूज़ भी नहीं कर सकते कि हम किसी दूसरे काम के लिए उसे यूज़ कर सके, ठीक है। बट वैरकार में क्या होता है, जैसे हमने 50 स्पेस लिया, देन हमने सिर्फ 4 डिजिट डाल लिए, बाकी के स्पेस जो बच गए उसे हम वापस रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कैर और वैरकार में। ओके, डेट, डेट के लिए हम ये डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और डेट टाइप के लिए इसमें हमारे ईयर्स, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स भी शो होगी। सो अब आते हैं कीज इन MySQL में। टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स के कीज होते हैं, बहुत सारी कीज होते हैं, बट हम यहाँ पे मेनली टू टाइप्स की कीज पढ़ेंगे।
जैसे एक है प्राइमरी की और फॉरेन की. प्राइमरी की होता है इट इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और देयर इज ओनली वन प्राइमरी की एंड फिल्टर वी नॉट नल. मींस कि मान लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तो हमें इसमें से प्राइमरी जो हमारी प्राइमरी की होगी वो यूनिक होगी. मींस कि उसमें जो हर रो होगा, ईच रो मतलब कि ईच रो डिफरेंट आइडेंटिफाई करेगा. मतलब जैसे हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है आईडी नेम सिटी आईडी सिटी, ठीक है, तो नेम भी दो हो सकते हैं, सिटी आईडी भी दो हो सकते हैं और सिटी भी दो हो सकते हैं, ठीक है. बट ये जो हमारे स्टूडेंट आईडी होती है वो डुप्लीकेट नहीं होते. हर स्टूडेंट आईडी का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है, जिसके 101 102 103 104 ये आईडी किसी और स्टूडेंट के पास नहीं होगी, ठीक है. और ये चीज़ हम एक टेबल में से सिर्फ एक ही कॉलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं और इसमें नॉट नल मतलब कि नल वैल्यूज में नहीं होनी चाहिए. मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफाइन होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है. फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल. फॉरेन की वैसे दो टेबल्स को लिंक करने के लिए भी यूज होता है. मान लो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है सिटी, ठीक है, तो इसमें जो सिटी आईडी है वो क्या है, हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, और स्टूडेंट में प्राइमरी की क्या है आईडी. तो इस प्राइमरी की को अगर मैं स्टूडेंट के टेबल में बनाऊंगी तो ये हमारा एज अ फॉरन की होता है. फॉरन की मतलब कि दूसरे शहर में जन्म लिखता, तो सिटी आईडी हमारी इसमें फॉरन की हो जाएगी, ठीक है. और इसमें क्या है कि देयर कैन बी मल्टीपल फॉरन कीज. इसमें जैसे कि ये सिटी है, एक टेबल और ले लेते हैं, मान लो हमने सीट पर टेबल ले लिया, तो उसकी जो प्राइमरी की है उसे भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. मतलब कि बहुत सारे फॉरेन की हो सकते हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज भी हो सकते हैं. डुप्लीकेट वैल्यूज इसकी सिटी यहाँ पे भी वन हो गया, यहाँ पे भी वन हो गया, तो इसके डुप्लीकेट वैल्यूज है और नल वैल्यूज भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है. सो अब आते हैं इस पर कॉन्स्टेंट के बारे में. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा आईडी इन प्राइमरी की, तो आईडी तो हमारा वेरिएबल हो गया और इंट हमें हमारा डेटा टाइप हो गया. अभी प्राइमरी की क्या है, ये हमारे कॉन्स्टेंट में आते हैं. कॉन्स्टेंट क्या होता है, किसी भी चीज को उसको रूल्स डिफाइन करना होता है. जिसकी नॉट नल है, इसमें तीन टाइप्स के रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की, ठीक है. नॉट नल कॉलम्स कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, मीन्स कि उसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है. और यूनिक में ऑल वैल्यूज इन कॉलम्स आर डिफरेंट. इसमें अगर यूनिक डिफाइन कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि जितने भी कॉलम्स हैं उनकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, सेम या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. प्राइमरी की जो मैंने अभी बताया था आपको, मेक्स अ कॉलम यूनिक एंड नॉट नल बट यूज ओनली फॉर वन. मीन्स कि जो कॉलम है वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ एक टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम के लिए पे सेट कर सकते. अब देखते हैं क्रिएट आर फर्स्ट डेटाबेस. हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है. इसके लिए मैं आपको दो टाइप बताऊंगी, दो वैसे कि आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर रहे हो, कैसे डेटाबेस को डिलीट करोगे, ठीक है. तो फर्स्ट है क्रिएट डेटाबेस. इसमें सिर्फ नॉर्मली इंग्लिश यूज होती है, इसमें हाई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो ये भी ईजी है. तो क्रिएट डेटाबेस मतलब कि डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस का नाम आएगा, ठीक है. क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना है वो कर दोगे और डिलीट क्या करोगे, ड्रॉप यूज करोगे. डिलीट और ड्रॉप एक होता है, ठीक है. ड्रॉप डेटाबेस और जिस डेटाबेस को आपको ड्रॉप करना है मीन्स डिलीट करना है तो वहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लेते हैं, ठीक है. तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे. सो यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम पहले मैं न्यू पे क्लिक करेंगे. तो ये तो मैं आपको पहला मैं दो तरीके बताऊंगी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है. तो हम आ जाओ पहले डेटाबेस नेम पे. यहाँ पे हम डालिए टेस्ट वन और यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर दिया. तो क्या हो गया, देखो टेस्ट वन से डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है. और यहाँ
क्रिएट कैसे करेंगे, मैंने बताया था ड्रॉप यूज करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और जो जो भी आपको डेटाबेस डिलीट करना है, जैसे मुझे टेस्ट टू डेटाबेस डिलीट करना है तो टेस्ट टू सेमी कॉलन से रन कर दो। देखो यहाँ से आपका टेस्ट टू डिलीट हो चुका है, टेस्ट वन के नीचे टेस्ट टू था तो डिलीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको डेटा एसक्यूएल स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें क्या था, डेटाबेस था फिर उसके अंदर टेबल था, ठीक है। हमने डेटाबेस क्रिएट करना तो सीख लिया, अब बारी है टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल और यहाँ पे टेबल नेम कर देंगे, फिर कॉलम वन, फिर डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल और टेबल नेम, मान लो हमने टेबल नेम कस्टमर रख लिया, कस्टमर, फिर मैंने कॉलम लिख लिया यहाँ पे कॉलम नेम, तो हमने मान लो कॉलम नेम हमारे पास है आईडी, फिर नॉट नल। हम क्या यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो हमारी आईडी है वो नल नहीं होनी चाहिए, और ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि जैसे हम अवर्ड वो नहीं हुई थी ना, उसके अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, जिस दिन वैल्यू बढ़ती जाएगी अपने आप इंक्रीमेंट इसमें होता रहेगा, ठीक है। कोमा, फिर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, हमने वेयर कार में डिफाइन कर दिया, इसका वेयर कर दीजिए नेक्स्ट टाइम पर, और इसकी साइज कर दी 250, ठीक है। अब हम देते हैं ईमेल, ईमेल इसे भी हमने वेयर कार पर वेयर कार से डिफाइन कर दिया, पासवर्ड, पासवर्ड इसे भी हमने वायर का डिफाइन कर दिया 255 साइज भी दिया हमने इसकी, कॉमा, फिर हमने यहाँ पे सिटी डाल दिया, सिटी को भी वायर का डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया स्टेट, इसे हमने वेरिफाई 255 कॉमा, और हमने यहाँ पे कर दिया जिप, वैरकार क्यों यूज किया है, क्योंकि वैरकार में हम अपना नंबर, लेटर्स और सिंबॉलिक सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करनी है, हमने यहाँ पे प्राइमरी की किसे डिफाइन कर दी, प्राइमरी की किसे डिफाइन कर दी, जो यूनिक कोड है, ठीक है। हमने प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन कर दी आईडी को, फिर आईडी सबकी यूनिक होती है, आईडी इन हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि आईडी हमारे नुमेरिकल वैल्यू है,
नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब कि जो वैल्यू है वो हमारे लिए इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे हमने वैल्यू 255 का चेक किया था, हमने हर किसी ने डेटा का वैल्यू यूज किया है, चेक की वैल्यू का हमारा लेटर नंबर्स और सिंबॉलिक नेम नेम और यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया और यहाँ पे हमने फोन नंबर लिख दिया। तो आई थिंक नेम के लिए हम वैल्यू का यूज करेंगे, एड्रेस के लिए भी और फोन नंबर के लिए। और हमें आईडी को प्राइमरी की एंटर प्राइमरी की डिफाइन करना है यहाँ पे, हमें नेक्स्ट यहाँ पे हमने सेव किया। ये देखो, अच्छा हमने वैल्यू बताई सर, वैल्यू हमने इसमें इंट में 11 डाल दिया, वेरिफायर में 255 तो हम फिर से 255 इंट में 11 डाल दिया। हमने क्या किया, एक तो हमने बाय क्वेरी के थ्रू हमने एक कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल बनाया, और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे टेबल नेम है यहाँ पे जो भी आप टेबल नेम चाहते हो वहाँ पे डाल दो, फिर यहाँ पे इंट वेरिफायर इसमें कॉलम फॉर कॉलम से बनाएंगे नेम आईडी नेम एड्रेस फोन नंबर। ठीक है, इसमें डेटा टाइप में इंट जैसे आईडी में इंट लगता है, नेम एड्रेस में हमने वेरिफायर का यूज किया, फोन नंबर हमने इंट यूज किया। इसमें हमें वैल्यू भी डिफाइन करनी है, वैल्यू और साइज, और यहाँ पे हमने आईडी को हमने फैमिली के साथ लिखने को किया। देखिए हमारे स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस एमडी टेबल बन चुका है जिसमें हमने आईडी नेम एड्रेस और फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, और तो हमें इसे डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखो ड्रॉप ड्रॉप टेबल, यहाँ पे टेबल नेम जिस हमारे टेबल नेम स्टूडेंट सैंपल, यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ पे कस्टमर के नीचे स्टूडेंट का डिलीट हो चुका है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि हमने टेबल कैसे बनाया और कैसे डिलीट किया। ठीक है, अब करते हैं हमने हमने टेबल तो बना लिया, अब उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैंने हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर टेबल टेबल फिर टेबल के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, और डेटा हमारे कैसे स्टोर होगा, रो और कॉलम। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम जो भी आपने टेबल बनाया था, फिर ब्रैकेट में कॉलम वन कॉलम टू जो भी आपकी कॉलम से, और फिर वैल्यूज में कॉलम वन की वैल्यू ये है, कॉलम टू की वैल्यू ये है, कॉलम थ्री की वैल्यू ये है। ठीक है, जिसके हमने एग्जाम्पल लिया, साढ़े टू जितने स्टूडेंट का टेबल बनाया, तो स्टूडेंट नेम लिख दिया, टेबल नेम फिर रोल नंबर और नेम, ये हमारे दो कॉलम हुए और वैल्यूज। लेकिन इसमें ये है कि जिस ऑर्डर वाइज में आप कॉलम बनाओगे उसी ऑर्डर वाइज में आपको वैल्यू भी इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, तो वैल्यूज कर दिया, फिर रोल नंबर हमने स्विच दे दिया, नेम में हमने स्विच कर दिया। हम मल्टीपल रोल यू बना सकते हैं, जैसे इसलिए 102 बना दिया, फिर उसका दे दिया। ठीक है, हमने इंसर्ट करते हैं, हम पहले
कमांड लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट किसमें इंसर्ट करना है, इनटू इनटू कस्टमर। ठीक है, हमारा कॉलम क्या था पहले, यहाँ से हम देखेंगे हमने क्या क्या कॉलम बनाए थे उसमें। इंसर्ट, इंसर्ट करेंगे इनटू कस्टमर, कस्टमर की टेबल हम इंसर्ट करेंगे। और हमारे रोल्स क्या है, वहाँ से हम रोवाइज और वाइज हमारा क्या है, आईडी है। तो मैंने क्या था, आईडी को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया था, तो हमें आईडी डी लिखने की जरूरत है कि वो ऑटोमेटिक हमने उसमें ऑर्डर इंक्रीमेंट भी डाला था, तो अपने आप इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था स्टेट कॉमा से हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज यानी क्या होते हैं, जिस फॉर्मेट में हम कॉलम्स लिखेंगे उसके फॉर्मेट में हमें वैल्यू भी इंसर्ट करनी है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में इंसर्ट करो, जैसे हमने फर्स्ट में स्वीटी कर दिया कॉमा, फिर लास्ट नेम gmail.com, comma, a password, comma, state, Ariana, comma, city, Faridabad, so zip code kya hai 1 2 1 0 2, ye close kara, ye to ho gayi hamari one value. Theek hai, humne one column one row ki value chahiye, ab hum multiple value chahiye to control वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मारी
यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्ट कमांड करेंगे, वेयर क्लॉज करेंगे, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल करेंगे और लिमिट और ऑर्डर बाय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।